नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब कटअप की। सबने तो आप आंसर की मिला लिया होगा, लगभग सभी का जो है 10 क्वेश्चन मिनिमम जो है 10 क्वेश्चन क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत लोगों का इससे ज़्यादा रॉन्ग हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर की गलत है, कहीं कहीं पे सस्पेंस है 4 से 5 क्वेश्चन में बस। उसको आप आपत्ति दर्ज करा के विद प्रूफ वो मार्क्स अपना ले सकते हैं आप, जो कि ये क्वेश्चन थोड़े से 4 से 5 आपके विवादित है, सस्पेंस में है। उसके बाद जो है ये मिनिमम मैंने बताया आपको कि ये 10 से क्वेश्चन लगभग गलत हैं, तो अब कटक पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें 2 कैटेगरीज है, एक अदर स्टेट है और एक आपका जो है होम स्टेट, जो आप ये वैकेंसी निकली है। तो अदर स्टेट में क्या सीन हो रहा है कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं ये जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो जनरल का जो मेरिट है ये आप समझ के चलिए कि ये कम नहीं होगा, चाहे वो कितना हो। किसी का क्वेश्चन ये गलत हो गया हो या फिर जो भी है, मैं आपको झूठा कोई दिलासा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सर्वे किया है कि बहुत सारे लड़कों का मार्क्स जो है 55 से लेकर 60 के बीच में आया। तो जनरल की मेरिट तो डाउन नहीं जाएगी, इतना आपको याद रहे। और ये जो 4 से 5 क्वेश्चन, इसी में अगर आपका करेक्शन हो जाता है तो जिसका कम है वो इसमें आ सकता है, बस इतना समझिए, 55-60 के रेंज में आ सकता है। तो ये जो कट ऑफ है आपका, ये मान के चलिए कि ये फाइनल कट ऑफ है 55 से 60, इससे नीचे मेरिट नहीं जाने वाली है। चाहे आप कोई भी वीडियो आप देखते होंगे, झूठा आपको दिलासा दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो है सुबह से इस पर सर्वे कर रहा हूँ, इस पर बहुत सारा काम कर चुका हूँ। रही बात आपका केवल बिहार स्टेट की, तो यहाँ पे मेरिट बहुत गिरेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो अपने बाउंडेड एरिया में है, केवल बिहार में है। अब उनको रिजर्वेशन का भी छूट मिलेगा, जैसे कि OBC में जो होगा, SC और ST में जो होगा, SC ST में, तो यहाँ पर जो है उसको छूट मिल रहा है। तो छूट मिलने की वजह से जो है इनका जो मेरिट है, OBC का जो कटअप आपका जाएगा ये बहुत कम जाएगा। OBC का कटअप मान के चलिए कि 40 तक जा सकता है, और इसी के आसपास जो है इसका जो है लगभग, ज़्यादा नंबर कम नहीं, 36-39 के आसपास जो है रहेगा SC और ST का, क्योंकि होम स्टेट है, यहाँ पर सीट ज़्यादा है। तो आप सुने होंगे कि न्यूज़ में जो है बताया गया था कि आपकी जो वैकेंसीज है इसको 75% जो है फिल किया जाएगा। अगर बच्चे अगर फेल भी हो जाते हैं, न्यूनतम जो अर्हता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो पासिंग मार्क है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो ये किसकी वो बात कर रहे थे, इन्हीं की बात कर रहे थे वो, जो बिहार स्टेट के रहने वाले OBC SC ST। क्यों? क्योंकि इन्हीं का जो है मेरिट डाउन होगा, जनरल कैटेगरी का मेरिट डाउन नहीं होगा, ये दिमाग में सोच लीजिएगा। रीज़न उसका यही है कि बहुत सारे स्टेट के लड़के हैं, करीब 28 स्टेट में से मेजर अगर 10 स्टेट का मैं बात कर लूँ तो 10 स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। तो पूरे सीट पे तो फाइट करना नहीं है आपको, इसके वजह से सीट आपकी कम है तो मेरिट आपका हाई रहेगा। और जो लोकल, जो बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो, उनका मेरिट 40 और 36 पे ही बनेगा, इसी के बीच में रहेगा। अगर मान लीजिए OBC का कोई कैंडिडेट है, वो अगर 40 मार्क्स के ऊपर है तो उसका सिलेक्शन 40 प्लस होना चाहिए, उसका सिलेक्शन जो है श्योर है। और 36 प्लस अगर आपका SC ST है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड था, जब दोबारा आंसर की मिला गया तो फिर भी क्या हो गया, 10 से 12 क्वेश्चन सबका गलत हो रहा है, तो उनका भी तो गलत होगा। और पहली बार एक ऐसा ये पेपर है जिसके में लिखा गया था कि एक से अधिक आंसर, और इसी के वजह से ज़्यादा गलत हुआ है एक से अधिक वाले में, क्योंकि
आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक आंसर आपका आएगा, आप तुरंत टिक कर देंगे। जबकि एक और भी है, या आप एक आंसर जानते हैं दूसरा नहीं जानते हैं उसकी वजह से एक से अधिक हो गया, या फिर अगर तुक्का लगाने वाला है वो ये सोचेगा कि चलते हैं इसी में से कोई जो है एक तो सही होगा, बट वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जब ऑप्शन में दिया नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा। तो यही दो ज़्यादा लोगों के गलत है, एक से अधिक वाला या कोई नहीं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन हैं जो विवादित है मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो जो 5 क्वेश्चन है उसमें जाकर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, मेरे ही चैनल पे है वो, और आपको उसमें बोनस जो भी नंबर है मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप OBC के हैं 35 है तो 40 तो पहुंच जाएंगे, SC ST हैं 31 के अगर रेंज में, 32 के तो 36 आप पहुँच जाएंगे, तो पासिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो अदर स्टेट के जनरल के कैंडिडेट हैं काउंट ही होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो इस भ्रम में न रहें कि जो है मेरी डाउन होगी, मेरी डाउन नहीं होगी, आपका जो है 55 से 60 ही है कट ऑफ, इसके नीचे वो कट ऑफ आएगा ही नहीं, चाहे आप कोशिश कर लीजिए जितना भी। और आप लोगों ने अगर आप मिला लिया होगा तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके आप बताएंगे कि कितना कितना मार्क्स आपका आया है, ठीक है। इसी कमेंट से आपको भी सर्वे में पता चल जाएगा कि कितने कितने मार्क्स लोगों ने पाया है, कितना हाईएस्ट जा सकता है, क्योंकि मैं सुबह से कमेंट पढ़ रहा हूँ अपना भी और अदर जो भी रिसोर्सेज हैं, तो यही रेंज आएगा। अब बात केवल जनरल की है क्योंकि बिहार स्टेट में सीट ज़्यादा है, वहाँ आपके जो कैंडिडेट हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि जो है उनका सीट जो है बच जाएगा अगर वो जो नहीं भरे जाएंगे तो। जनरल कैटेगरीज के जितना सीट अदर स्टेट को आवंटित है उतना ही भी भरे जाएंगे, बल्कि OBC ST के मेरिट गिर सकती है, तो गिरते गिरते 40-36 तक चली जाएगी, ठीक है। तब तक आप यूट्यूब चैनल में आप बने रहिए, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जिनको आपत्ति दर्ज करनी है वे ऑफिशियल जो इसका साइट है वहाँ जाएंगे, BPSC पे या sarkarirezult.com पे भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से आप जाके लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद जो है आप जो है आप वहाँ पर लॉग इन आप कर लीजिएगा, वहाँ से आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा, चाहे आप NCERT का फ़ोटो आप ले लीजिए बुक का, या फिर कोई और रिसोर्सेज है इंटरनेट का, विकिपीडिया है उसको आप फ़ोटो कैप्चर करके उसमें अपलोड कर देंगे तो आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। और बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो कल इसका लास्ट डेट है, मतलब आप समझ लीजिए कि 3 सितंबर के बाद आप नहीं कर पाएंगे, 3 सितंबर लास्ट डेट है। और साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि उसी को आयोग जो है मान लेगा कि आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, मतलब आप सहमत हैं, तो आप फिर बाद में नंबर नहीं बढ़वा सकते हैं अपना। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपने मेरे इसी चैनल पे 5 क्वेश्चंस जो सस्पेंस में है, आप जाएंगे वहाँ पे, उस पर लिखा भी हुआ है कि 5 का आंसर की जो है सही नहीं मिल रहा है, और अगर आपको उसमें भ्रम है आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि आपने वो किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, और आपत्ति दर्ज आप करेंगे तभी मिलेगा, इसे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो तब तक आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नया चैनल है इसको ग्रोथ करना है तो 1K तो चाहिए ही, 1K के बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगा, फिर कोई सब्सक्राइब करने के लिए मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे फिर मेरा जो भी है 1K एक मिनिमम जो भी है क्वालिफाइंग नेचर यूट्यूब का कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके सपोर्ट से जो है 1K हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।